लुधियाना में सीएम भगवंत मान ने वेरका मिल्क प्लांट में दूध प्रोसेसिंग और बटर प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट का उद्घाटन करने के बाद सीएम मान एक समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि करीब 109 करोड़ की लागत से नए दूध प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की गई है। इससे लुधियाना और आसपास के जिलों के किसानों को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लुधियाना और जालंधर में दही का प्लांट लगाने की योजना भी सरकार बना रही है। इन योजनाओं से युवाओं को नौकरी मिलेगी, साथ ही किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में पहली बार एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग CYSS यानी छात्र युवा संघर्ष समिति ने अपना परचम लहराया है। CYSS में जीत हासिल करने के बाद अध्यक्ष चुने गए आयुष खटकर मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ अन्य पदों के विजेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पहली बार में ही आयुष खटकर ने 607 वोटों से जीत दर्ज की। स्टूडेंट विंग को मिली कामयाबी पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए बधाई। पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में आम आदमी पार्टी के छात्र विंग CYSS की सफलता पर ट्वीट किया और जीत की बधाई दी। सीएम मान्य अध्यक्ष पद पर विजय रहे आयुष खटकर को बधाई देते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि युवा देश की तकदीर बदल सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यह साबित कर दिया। मानसा पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ दीपक चिनू गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दीपक चिनू को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इससे पहले दीपक चिनू की गर्लफ्रेंड जतेंद्र कौर ज्योति को मानसा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। ज्योति पर दीपक चिनू को भगाने की सहायता करने का आरोप था। चर्चा यह भी थी कि दीपक चिनू विदेश भाग गया है, लेकिन उसे अजमेर से गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति मामले पर कहा कि राज्यपाल ने गैर संवैधानिक कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को पंजाब की जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राज्यपाल के अधीन नहीं है। पंजाब पुलिस के नाम का सहारा लेकर लोगों से ठगी करने वालों के खिलाफ लुधियाना पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। पंजाब पुलिस का जाली DSP बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का मुख्य आरोपी पुलिस की वर्दी सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ फ्रॉड और जाली पुलिस अधिकारी बनने संबंधी धाराओं के तहत दर्ज डिविजन नंबर के तहत गिरोह का भंडाफोड़ कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पंजाब सरकार के दिशा निर्देश पर पंजाब पुलिस की तरफ से नशे के खिलाफ शुरू की गई मुहिम में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पंजाब पुलिस ने एक व्यक्ति को 4 किलो 400 ग्राम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। खन्ना में पुलिस की टीम ने अवैध रूप से पटाखे बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। SDM ने रेलवे रोड पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत 3 दुकानों को सील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लगातार सूचना मिल रही थी कि इस इलाके में बगैर लाइसेंस और नियमों की अवहेलना कर पटाखे बेचे जा रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। लुधियाना के शेरपुर इलाके में पानी की टंकी पर चढ़ी युवती का वीडियो सामने आया। युवती का कहना है कि कुछ लोग उसकी दुकान पर कब्जा करना चाहते हैं। लुधियाना थाने में रिपोर्ट मामला दर्ज कराने के बाद भी पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। मोहाली के सेक्टर 82 में एक युवक का हवाई फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक ने नई गाड़ी के जश्न में हवाई फायरिंग की थी। फायरिंग करने वाला युवक पंजाब का एक नामी बिल्डर का बेटा बताया जा रहा है। SDM डॉक्टर हरनूर कौर ढिल्लो ने मजीठा अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। साथ ही मंडी में चल रही धान की खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। SDM ने मजीठा के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए कि किसानों को किसी भी कीमत पर मंडी में परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समय पर सरकार की निर्देशानुसार धान खरीदा जाए और सरकार के निर्देशानुसार किसानों के खातों में रकम का भुगतान किया जाए। बरनाला की दीपाली सिंगला ने हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 में पूरे देश में चौथा रैंक हासिल किया है। उन्होंने अपने परिवार और बरनाला शहर का नाम रोशन किया है। बरनाला की बेटी दीपाली ने अपनी सफलता पर कहा कि उनकी इस कामयाबी के पीछे उनके माता पिता के अलावा उनके टीचर्स का भी हाथ है।